देश में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव का तरीका राष्ट्रपति चुनाव से अलग होता है। ये भी होता तो अप्रत्यक्ष ही है, लेकिन इसमें केवल संसद के दोनों सदनों की भागीदारी होती है। कैसे होता है ये चुनाव और क्या है इसकी प्रक्रिया, आज इसे समझते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जारी है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। देश का संविधान भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी भूमिका सौंपता है। पहली भूमिका है कार्यपालिका के दूसरे मुखिया और दूसरी भूमिका है संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी सभापति का। भारत के उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियां क्या है, पहले ये जान लेते हैं। यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को मुख्य जिम्मेदारी यही दी गई है। इसके अलावा भी कुछ भूमिकाएं हैं जिसका निर्वहन उपराष्ट्रपति को करना होता है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए तो यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। पद क्रम के आधार पर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के नीचे और प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति विदेश दौरे पर भी जाते हैं ताकि अन्य देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। अब सवाल ये कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन मंडल यानी इलेक्ट्रोल कॉलेज द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसके निर्वाचन मंडल यानी इलेक्ट्रोल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने गए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः किसी एक सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करता है और जिम्मेदारों के नामांकन मंगवाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं। उम्मीदवार को ₹15,000 की जमा राशि भी कराने होते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम वैलेट में शामिल किए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, तो उपराष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से खाली कर दिया है। कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए और वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता को पूरा करता हो। अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। अगर संसद कि किसी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपना पिछला स्थान खाली कर दिया। अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातित प्रतिनिधि पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाता है, जिसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। वह वैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1 और दूसरी को 2, इसी तरह से आगे की प्राथमिकता भी देता है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कैसे होती है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले हैं। सभी को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ा जाता है, कुछ संख्या को दो से भाग किया जाता है, कुल संख्या को दो से भाग किया जाता है और भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। जो कुल संख्या मिलती है वह कोटा माना जाता है, जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी होता है। अगर पहले गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी कोटे के बराबर या उससे ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा न हो पाए तो इसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले उस उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हो, लेकिन उससे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटरों में यह देखा जाता है कि किसी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाले संख्या के बराबर या ज्यादा हो जाते हैं तो उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई कैंडिडेट न चुना जाए तो प्रक्रिया जारी रहती है, सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। यह ऑब्वियसली सम में होता है, उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वैलेट पेपर्स और दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले वैलेट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो उससे संबंध रखता हो। यह प्रक्रिया जारी रहती है और फिर से जो कम वोट जिसे मिलता है जिस उम्मीदवार को, उसको बाहर किया जाता है और तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है जब उम्मीदवारों को मिलने वाले की संख्या के वोट के बराबर ना हो जाए। इलेक्शन हो जाने के बाद वोटों की गिनती होती है और निर्वाचन अधिकारी नतीजे का ऐलान करता है। इसके बाद रिजल्ट को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार अपने आधिकारिक गैजेट पर चुने हुए व्यक्ति का नाम प्रकाशित करता है। पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो उसे राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेजना होता है। राष्ट्रपति के स्वीकार किए जाने के बाद ही इस्तीफा प्रभावी होता है। तो आप तो ये समझ लिए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारत में अभी तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। एम वेंकैया नायडू से पहले 12 उपराष्ट्रपति रहे हैं। अब तक के भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल को देखें तो वो इस प्रकार से हैं कि कौन कौन कब रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967, वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974, बीडी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 को 1979, और एम हिदायतुल्ला 31 अगस्त से 29 अगस्त 1984 के बीच में रहे। आर वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक, और के आर नारायणन 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक, श्री कृष्ण कांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक, भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक, मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सांसद वोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब चुनाव में कुल 788 वोट डाले जाते हैं। अब इलेक्टोरल से कुल इसकी संख्या 776 हो गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोटों की संख्या पर नज़र डालें तो बीजेपी के पास 395 का है, जबकि जीतने के लिए 388 की जरूरत होती है। तो अब देखना ये होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतता है, क्योंकि मैदान में जगदीप धनखड़ है जो NDA की तरफ से है, और जो विपक्ष की तरफ से है वो मार्गरेट अल्वा ये उम्मीदवार है। तो आप देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन उपराष्ट्रपति बन पाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।